बोलूं कन्हैया जा तो से नहीं, बोलूं कन्हैया राह चलत पकड़ी मोरी भैया, राह चलत पकड़ी मोरी भैया, जा तो से नहीं, जा तो से नहीं, जा तो से नहीं, बोलूं कन्हैया। आगे की अभिव्यक्ति नृत्य सबर, ये अभिव्यक्ति मैं इस तरह से आपके समक्ष प्रकट कर रहा हूं, जैसे ग्वाला ये देख रहा है राधा कृष्ण का प्रेम, ये कह रहा है कि राधा है, ये प्रकट करने की अलग अलग रीत से परिचित कर रहा हूं। वो कह रहा है कि देखो राधा आई यमुना के तट पर, कृष्ण ने उसे बुलाया, ये रूठी रही, मानी नहीं, कृष्ण ने इसे इसके साथ जो छेड़खानी की इसका हाथ पकड़ा, ये सारी बात और ग्वाला को कह रहा है, इस तरह से ये रचना प्रकट कर रहा हूँ। इसका पवित्र राग हंसध्वनि, जो संध्या समय का राग है, या प्रकट होती हुई सुबह या अस्त होती हुई शाम, इसमें इस राग के राग को प्रकट किया जाता है जो पवित्र शक्ति के संपर्क में लाता है। मेरी दृष्टि से हंसध्वनि राग का सर्वश्रेष्ठ कंपोजिशन, वन ऑफ द एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंपोजिशन। ये आगे के भी जो दो रचनाएं हैं वो अडाणा राग की सर्वश्रेष्ठ रचनाएं, ये भी आप सुने देखे, इसका साहित्य भी देखना कि पूरी कविता कितनी सुंदरता है, कविता में गेय कविता जो हम गा सके, इसकी जो सुंदरता है साहित्य की, वो भी आप देखना कि कैसा हृदय होगा तब इस तरह की कविता प्रकट होती है हृदय से। इतनी सुंदर धुन, इतना सुंदर कंपोजिशन। इसके बाद दूसरी रचना है, नाचे मन मोरा मगन तिकता धीगे धीगे, नाचे मन मोरा मगन तिकता धीगे धीगे, बदरा गिर आए रुत है बिगी बिगी, नाचे मन मोरा मगन तिकता धीगे धीगे, तिकता धीगे धीगे तिकता। तबले पर नहीं बजा सकते, मुंह से बजा सकते। भैरवी राग का एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंपोजिशन, एसटी बर्मन इसके संगीतकार। फिर से मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके समक्ष मैं जब नमस्कार प्रणाम वंदन करता हूँ, ये सारे संगीतकार जितने इतनी सुंदर रचना का कंपोजिशन किया, गीतकार जिसने इतनी सुंदर कविता प्रकट की, और सारे साजिन दे इसको मैं महत्व दूंगा, वो आज भी है, हम उसे जैसे प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, वंदन करते हैं, आह्वान करते हैं, तो इसका सूक्ष्म विज्ञान है, आध्यात्मिक विज्ञान है कि हमारा और उसका आत्मिक संबंध बन जाता है, और जो भी जीव इस नृत्य को प्रकट करने में उत्सुक रहते हैं, ये भी 6 दिन की प्रक्रिया इसलिए होती है कि 6 दिन में धीरे धीरे आप देखते जाओ नृत्य में क्या फर्क आता है, आप स्वयं क्या अनुभव करते हो, धीरे 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 जो प्रकट होने वाली चेतना है उसका इंस्पायरेशन या पवित्र प्रेरणा छूने लगती। आज को देखो, कल को देखो, इस तरह से 6 दिन का अभ्यास करो। ये दो रचना आपके समक्ष, जातों से नहीं बोलो कन्हैया राग हंसध्वनि, और नाचे मन मोरा राग भैरवी। एक अर्थ में देखे तो ये इस तरह से होता है, जैसे पहला दिन है, एक तरफ से समझो तो फ्रेमवर्क है, जैसे हम बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं तो पहले प्लिंथ ठीक करते हैं, इसमें देखा जाता है किस तरह से ताल है, कहाँ पर ताल रुकता है, कहाँ पैरों की गति देनी है, कहाँ रुक जाना है, कहाँ मुख से नृत्य की अभिव्यक्ति करनी है, कहाँ पैरों से अभिव्यक्ति करनी है, इस तरह से इसमें स्टडी किया जाता है। ये मैं अंदर की बात बता रहा हूँ, और जो श्रृंगार है आज का, ये भी इस तरह से है। ये कुछ नया श्रृंगार शुरू करने के लिए, आप देखो आज का श्रृंगार, इसे न्यूट्रलाइज किया जाता है श्रृंगार को सफ़ेद रंग से कम गहने, और आगे का जो विस्तार है आप 6 दिन में देखना। ये जो प्रयोग है मैं इस तरह से ले रहा हूँ, 6 दिन 5 रचना आपके समक्ष मैं प्रकट करूंगा फिल्म की, और 6 दिन और 5 रचनाएं प्रकट करूंगा जो कथक का बहुत सुंदर अभिव्यक्ति है, कथक नृत्य शास्त्र की।
इसमें आप देखना, मैं आप दोनों को फर्क बताऊंगा कि ये जो आज की अभिव्यक्ति में प्रारंभ करने जा रहा हूं तो ये वेशभूषा से मैं इसे प्रकट कर रहा हूं, ये श्रृंगार से, लेकिन अगले 5 दिन की जो अभिव्यक्ति है 6 दिन की, वो इस श्रृंगार से प्रकट नहीं की जा सकती, और अगर प्रकट करने जाए तो विद्युत ब्लॉक हो जाती है। जो वर्किंग है, प्रकट करने की रीत है, वो ब्लॉकेज दिखाती है इस पे। आप देखना, अभ्यास करें।